मित्रों, एडवर्टाइजिंग सभी प्रकार के विज्ञापन के लिए हमसे संपर्क करें। वर्धमान भवन, पलंदी चौक, दमोह। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह में देर रात झमाझम बारिश के बीच कलेक्टर ऑफिस के सामने एक दुकान में आग लग गई और इस आगजनी में दुकान पूरी तरह जलकर खाक हो गई। दमोह शहर के कलेक्ट्रेट चौराहे पर कलेक्ट्रेट के सामने रात में गश्त कर रहे पुलिसकर्मियों को बारिश के बीच एक दुकान से धुआं निकलते दिखाई दिया तो पुलिस वाले तुरंत सक्रिय हुए और फौरन फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची दमकल और पुलिस टीम की सक्रियता से आग पर काबू पा लिया गया। इस क्षेत्र में दुकानें एक दूसरे से सटी हुई हैं और इस रेस्टोरेंट में 4 गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। गनीमत यह रही कि आग गैस सिलेंडर की जद में नहीं आ पाई, वरना हादसा बड़ा हो जाता। पहली नज़र में आग की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आई है। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रात में लगभग 2-2.5 बजे पुलिस का फ़ोन आया कि आग लगी है, तो पुलिस की संयुक्त दोनों टीमें कोतवाली और जबलपुर नाका चौकी द्वारा फ़ोन पहुंचा घर पे कि आपकी दुकान में आग लगी है। जब हम लोग मौके पे पहुंचे तो आग जल रही थी, बाजी वाली दुकान बाजी में आग थी, लल्लन चाय पान भंडार पे। वहाँ सूचना दी वहाँ पे और लल्लन लोग आए, आकलन किया। पुलिस का धन्यवाद बहुत बहुत करने गश्त के कारण हम लोगों की सतर्कता के कारण ज़्यादा आगे नहीं लग पाई, बढ़ पाई। हम लोग सो रहे थे तो शाम अभी रात में हमको सूचना मिली पुलिस के द्वारा कि आपके यहाँ दुकान में आग लगी है, तो हम लोग चाय भी लेके आए तो देखा तो पुलिस थी, फायर ब्रिगेड था, सब लोग की मदद से दुकान खोली हम लोग, तो देखा कि पूरा आग लगी, पूरा सामान हमारा नष्ट हो गया है। वो कम से कम 50 के ऊपर और एक के अंदर ऐसा नुकसान हुआ है हमारा, 60-70-80 हज़ार। क्या लगता है कैसे आग लगी है? अब देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे मीटर द्वारा आग लगी हो, और अंदर जाके देखेंगे सही स्थिति क्या है, पूरी लाइट माइट सब व्यस्त व्यस्त पड़ी है। क्या नाम है आपका? संतोष गुप्ता। काय की दुकान थी? चाय नाश्ता कलेक्ट्रेट के सामने, सोनम रेस्टोरेंट।